तो हेलो गाइस, मैं जयपुर से अभी गांव आ रखा था, तो मैं आपको गांव का नज़ारा बना दिखाना चाहता हूँ। मेरा फर्स्ट ब्लॉग तो जयपुर में डाला था और सेकंड ब्लॉग मैं यहाँ डालना चाहता हूँ। तो मैं आपको आपको नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। मेरी चाची की शॉप है यहाँ पे और ये इनका मकान है। मैं आपको आगे का नज़ारा बताना चाहता हूँ। तो चलिए आपको आगे का नज़ारा बताता हूँ। ये हमारे मिट्टी के घर थे पहले के, मिट्टी के घर। पहले हम इनमें रहा करते थे, तो अभी तो इनको तोड़ के नए पक्के मकान बना लिए। तो अभी मैं आपको आगे का नज़र बताता हूँ। और ये हमारे दो मकान है कमरे, ये दो कमरे है। और ये पेड़ देने वाला बहुत पुराना पेड़ है, ये शौद का। ये मम्मी है, ये दादी है, ये चाय पी रहे। हेलो दादी, और बताओ कैसे हो। तो ये चाचा की लड़की है परी, मोटी। और से मिला देता हूँ। ये मेरा भाई है सुनील, खास भाई। अरे मेरे चाचा का लड़का है, आजा बाबू चलते। ये पद दिखाने के लिए बोल रहा है बाबला, ऐसा बोला है पद दिखला दे मुझे। तो मैं आपका आगे कहना जरा बताता हूँ। ये हमारी लकड़ियाँ जो चूल्हा जाने लिए हम काम आती है, हम चूल्हा ले जलाते हैं। तो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ एकदम प्यारा नज़ारा, एकदम बहुत प्यारा, इतना प्यारा कि आप देख के पागल हो जाओगे। यहाँ पे तार लगे हुए हैं, तार को हटाना पड़ेगा, ये तार हट चुके हैं। तो मैं आपको अभी पूरा नज़ारा बताता हूँ। ये बताओ गेस्ट करोगे किसके पेड़ है। ये भिंडी के पेड़ है, इनमें छोटी छोटी भिंडी आ रही है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये छोटी छोटी भिंडी आ रखी है इनमें, भिंडी, ये छोटी छोटी, ये भिंडी के पेड़ है। और ये हमारा राजू का है, ये राजू का बहुत प्यारा है, बहुत। देखो इन्हें देखो कितना, ये बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा नज़ारा देखता है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे पूरे रजगा रजगा है, ये बहुत प्यारा है। अभी यहाँ पे और कुछ भी बाहर रखे हैं हम, अब आगे टमाटर के पेड़ भी है, ये रजगा है, ये मक्का है, ये मक्का है। तो मैं अभी आपको आगे कहना चाहते करूँ, ये भी चर्चो वर्चो गायों को खिलाने के लिए है ना। तो मैं वो आपको और बताता हूँ। ये देखिए टमाटर के पेड़ ही है, टमाटर के पेड़ ही हैं। और ये हमारा बोरिंग है, बोरिंग यहाँ से हम इन सबको पानी पिलाते। तो बस मैं आज के ब्लॉग में इतना ही बताना चाहता था आपको। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए प्लीज़। थैंक्स।